हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में प्रोनंसिएशन के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग्स भी मिलते हैं, जिनसे आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाता है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ताकि मैं और जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए ऐसे क्लासेज लेकर आता रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, द लायन एंड द कैमल, एक शेर और एक ऊंट के बारे में। A lion was the king of a jungle. एक शेर जंगल का राजा था। He had many animals who followed him. उसके पास कई जानवर थे जो उसका पीछा करते थे, यानी उसके साथ साथ रहते थे। The lion would hunt. जो शेर था वो शिकार करता था। And after he had taken his share, और अपना हिस्सा लेने के बाद, the rest यानी जो बचा हुआ था was given to his followers, वो दे दिया जाता था किसको? उसके followers जो उसके साथ रहते थे या पीछा करते थे। Among his followers, तो उन followers में कौन कौन था? A jackal एक सियार था, and a crow एक कौवा था। They were happy, वे बहुत खुश थे to follow the lion शेर का पीछा करने में, because क्योंकि they were always sure of getting enough to eat, क्योंकि वो हमेशा sure थे, पक्के थे, आश्वस्त थे कि उनको मिलेगा, they will get क्या मिलेगा? Enough to eat भरपूर खाने को। तो देखिए, once a caravan went past the jungle, एक बार एक जानवरों का झुंड कह लीजिए या कारवां, वो गुजरा कहाँ से? जंगल के पास से गुजरा। And unfortunately और दुर्भाग्य से, a camel wandered away, जो एक ऊंट था वो भटक गया उनसे, and got lost और गुम हो गया। He strayed into, वह रास्ता भूल के भटकता रहा, कहाँ पे? Into the jungle, जंगल में, looking for food, खाने की तलाश में। The other animals had never seen a creature like the camel before, जो बाकी के जानवर थे, had never seen, उन्होंने कभी नहीं देखा था a creature, एक प्राणी कैसा? उस ऊंट के जैसा, बिफोर यानी उससे पहले। तो जितने भी इस जंगल के प्राणी थे, उन्होंने कभी भी एक ऊंट को नहीं देखा था। हो सकता है उनके जंगल में ऊंट हो ही नहीं। What a strange thing this was, ये कितनी विचित्र चीज थी। It looked funny, ये हंसी दिलाने वाला भी था। And it walked in a very awkward manner, तो ये जो it है ये use किया गया है ऊंट के लिए। उसके बारे में सभी जो जंगल के बाकी जानवर हैं वो देखते हैं उसको और हंसते हैं, और उसकी जो चाल है वो भी बहुत अजीब तरीके की उन्हें लगती है। But it was big, लेकिन वह बहुत विशाल था। And would provide, और वो प्रदान कर सकता था क्या? Food, खाना, for many of the animals, वो कई जानवरों को खाना प्रदान कर सकता था, वो भी बहुत ज्यादा। So they took him to the lion, इसीलिए जो जंगल के बाकी जानवर थे वो उसको ले गए किसके पास? शेर के पास। The camel was very polite, और जो ऊंट था वो बहुत ही विनम्र था, सभ्य था। And after bowing to the king, और राजा को झुककर सलाम करने के बाद, he told him, उसने बताया राजा को all about himself, अपने बारे में राजा को उसने सब कुछ बताया। तो इस ऊंट ने अपनी विनम्रता से, अपनी पोलाइटनेस से राजा को जीत लिया था। The lion was a very generous king, तो ये जो शेर था ये बहुत ही उदार राजा था, इसीलिए therefore he asked the camel, उसने ऊंट से कहा to live comfortably, आराम से रहने के लिए जंगल में, with all the animals, बाकी जानवरों के साथ आराम से जंगल में रहने को इस शेर ने उस ऊंट को बोल दिया। The camel could eat the fresh grass, तो ये जो ऊंट था अब खा सकता था fresh grass, यानी जो ताज़ा घास थी, and leaves और जो पत्ते थे उनको खा सकता था।
एंड डिड नॉट हैव टू कैरी, और उसे अब नहीं उठाना पड़ता था क्या, हैवी बर्डन्स, भारी बोझ ऑन हिज बैक। तो जिस झुंड के वो साथ था, जिस कैरावां के साथ वो था, वहाँ इसकी पीठ पर बहुत ज़्यादा बोझ लादा जाता था। तो अब ये ऊँट बहुत खुश था कि अब इसको खाने को ताज़ा घास मिलती है और इसको अपनी पीठ पर कुछ भारी बोझ भी नहीं उठाना पड़ता। द कैमल सेटल डाउन, तो सेटल डाउन होता है कहीं पे बस जाना। तो ये जो ऊंट था ये बस गया था हैप्पीली इन द जंगल, खुशी खुशी इस जंगल में। बट द क्रो, लेकिन जो कौवा था, एंड द जैकल, और सियार, वर नॉट हैप्पी एट ऑल, ये खुश नहीं थे। दे हैड लॉस्ट अ नाइस डिनर, इन्होंने एक बहुत अच्छा भोजन खो दिया था। सो द टू विकेड फ्रेंड्स, तो ये जो दोनों दोस्त थे जो बहुत शैतान थे, वेटेड फॉर अ चांस टू किल द कैमल, तो इन दोनों ने इंतज़ार किया मौके का, क्या करने का, टू किल, मारने का, किसको, बेचारे ऊँट को। वन डे, फिर एक दिन, इट सो हैपन्ड, ऐसा हुआ, दैट द लायन हैड अ फाइट विद एन एलिफेंट, कि जो शेर था उसकी लड़ाई हो गई हाथी से। द लायन वॉज बैडली वाउंडेड, वाउंडेड होता है घायल हो जाना, तो जो शेर था वो बहुत बुरे तरीके से घायल हो गया। ही कुड बेयरली स्टैंड अप, वह मुश्किल से, बेयरली मतलब मुश्किल से खड़ा हो पाता था। सो इसीलिए ही कुड नॉट हंट फॉर फूड, इसीलिए वह नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, शिकार नहीं कर सका खाने के लिए। द एनिमल्स, तो जितने भी जीव जंतु थे, हु शेयर्ड द लायंस फूड, वर ऑल हंग्री टू, तो जितने भी ये जीव जंतु थे जो बचा खुचा खाते थे शेर का खाना, वो सब क्या हो गए, वह भी भूखे हो गए। दिस वॉज द चांस, यही मौका था, द क्रो एंड द जैकल वर वेटिंग फॉर, तो जो कौवा और सियार जिस मौके की तलाश में थे, वह मौका ये आ गया था। दे कॉल्ड, उन्होंने बुलाया ऑल द एनिमल्स टुगेदर फॉर अ मीटिंग, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई साथ में सभी जानवरों के। आवर बिलवेड किंग, कि हमारे प्रिय राजा इज सीरियसली वाउंडेड, बहुत बुरी तरह क्या हैं, घायल हैं। He cannot get any food, वह कोई खाना नहीं ला सकते। He has cared for all of us for so long, उन्होंने इतने लंबे समय तक हम सब की केयर की है, देखभाल की है। Now, अब we must take care of him, अब हमें उनकी सेवा करनी चाहिए या उनकी मदद करनी चाहिए। What can we do to help, तो हम मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं, Ask the animals, जानवरों ने पूछा। Some of them did not know how to hunt, उनमें से कुछ जो थे वो शिकार करना नहीं जानते थे। So how could they feed the lion, feed होता है किसी को खाना खिलाना, तो वो किस तरह से शेर को खाना खिला सकते थे, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं थे भाई शिकार कैसे किया जाता है। वो सब किस पे डिपेंड थे, शेर पर ही डिपेंड थे कि आप शिकार करो और जो भी आपके खाने के बाद बच जाएगा वो हम सब आपस में बांट लेंगे। वी आर गोइंग टू ऑफर आवर सेल्स टू हिम एज फूड, सेड द कनिंग पेयर, तो ये जो चालाक जोड़ा था सियार का और इस कौवे का, इन दोनों ने कहा कि हम अपने आप को खाने के रूप में ऑफर करने जा रहे हैं, पेश करने जा रहे हैं, किसको, लायन को, यानी कि शेर को। दैट इज अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा विचार है, सेड एवरीवन, सभी ने कहा। देन द कैमल सेड, फिर ऊंट ने कहा, वेट, रुको, द लायन हैज बीन वेरी काइंड टू मी, जो शेर हैं, जो राजा हैं, वो मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हैं, काइंड मीन्स दयालु, And I am large enough to satisfy his hunger. और ये बेवकूफ ऊँट कहता है कि भाई रुको, मेरे प्रति राजा बहुत उदार रहे हैं और मैं इतना बड़ा भी हूँ कि उनकी भूख को मैं शांत कर सकता हूँ। So, इसीलिए I will offer myself first. तो इसीलिए मैं अपने आप को सबसे पहले पेश करूंगा। This was just what the crow and the jackal wanted. ये बस वही था जो कौवा और सियार चाहते थे। They took the camel to the lion. वो ले गए ऊंट को किसके पास? शेर के पास।
Soon they persuaded the lion, और बहुत जल्दी उन्होंने मना भी लिया शेर को, and the lion killed the camel, और जो शेर था उसने मार भी दिया ऊंट को. After the lion had eaten, शेर के खाने के बाद his fill, यानी अपना पेट भरने के बाद the crow and the jackal also ate their share. तो जो कौआ था और जो सियार था उन्होंने भी अपना हिस्सा खा लिया. एंड दैट वॉज द एंड ऑफ द पुअर फुलिश कैमल, और यही क्या था, अंत था उस बेचारे बुद्धू से ऊंट का. तो दोस्तों आज की कहानी का मॉरल है कि कभी भी इतने बेवकूफ मत बनो कि दुनिया आपका फायदा उठाने लगे. हमेशा दिमाग से सोचो कोई भी फैसला लेने से पहले. तो अगर आपको आज की कहानी और आज की ये क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो. और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये क्लास कैसी लगी. तो मिलते हैं आप सबसे एक नई क्लास में बहुत जल्द. तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग एंड बाय बाय.